अध्यक्ष जी पूछना चाहूंगा, आज आप लोगों ने सांसद जी के यहाँ प्रदर्शन किया है और ज्ञापन चिपकाया, क्या है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरे मध्य प्रदेश में पूरे बीजेपी सांसदों को ज्ञापन नहीं, उसको एक पत्र कहा जाए, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पत्र प्रेषित किया है उनके लिए कि हमारी कम से कम 7,000 करोड़ की लगभग राशि जो केंद्र सरकार के पास लंबित है, माननीय कमलनाथ जी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से तीन तीन चार चार बार मिलकर उनसे निवेदन किया है, उसके बावजूद भी केवल 1,000 करोड़ रुपए, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है, उस कितनी राशि केवल उसने जारी की है। और हम लोगों की ये मांग है कि जो पिछली राशि है वो नहीं, और जो अतिवृष्टि हुई है उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया है उनने, इसीलिए वो पत्र माननीय सांसद महोदय के नाम सौंपा है। और आपने देख ही लिया है कि जो 4,00,000 वोटों से जीते हैं और आज यहाँ पर कोई उनका नुमाइंदा लेने के लिए तैयार नहीं है, इससे ज्यादा और इस क्षेत्र के लिए क्या हो सकता है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने सक्रिय सांसद अगर वो हैं और 4,00,000 वोटों से जीते हैं, तो कम से कम एक आम आदमी का आवेदन किसी भी नेता के पास लेने के लिए उपस्थित रहता है, लेकिन प्रदेश के हित के लिए कोई भी सांसद अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हमने यहाँ सांसद निवास का घेराव किया है, हमें अत्यंत दुख के साथ यहाँ आना पड़ रहा है। प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता ने लोकसभा में 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर भेजे, उसी में से एक हमारे सांसद वीरेंद्र कुमार जी है, इनको जनता ने 4,00,000 वोटों से जिताया है, उसके बावजूद भी ये जनता के हित के लिए सदन में कोई बात नहीं रख पाए। मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के हिस्से की राशि को दबा के रखा है, 2677 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दबा लिया है, अतिवृष्टि में मिलने वाला 6671 करोड़ में से बमुश्किल 1,000 करोड़ रुपए दे पाए, आंगनबाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं, सड़कें जर्जर हैं, प्रदेश की फसलें खराब हो चुकी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। वह संघीय ढांचे में, व्यवस्था में लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हुए राजनीतिक द्वेष के कारण कमलनाथ सरकार को जानबूझ के परेशान करने की दृष्टि से उनकी राशि रोक रही है, जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है। धन्यवाद। निस्तराभूत हो चुका है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने दिल्ली में जाके जब 6671 करोड़ रुपए का मुआवजे के लिए उन्होंने उनसे अनुरोध पत्र दिया तो उन्होंने उसको सुनने से इनकार कर दिया, बामुश्किल 1,000 करोड़ रुपए वो जारी कर पाए। मध्य प्रदेश के हिस्से की फसल बीमा योजना की राशि उन्होंने नहीं दी है, 509 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश का अग्रिम जमा करा लिया, लेकिन मध्य प्रदेश का 500 हमारे हिस्से की राशि देना होगी, देना होगी, देना होगी, हमारे हिस्से की राशि देना होगी, देना होगी, देना होगी, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। हम पकड़े सांसद जी, नहीं मिले वो, नहीं मिल जाए सांसद, बाल होगी ना सर, ऑफिस में गोल ही नहीं है। Yeah, yeah.